person term samajhne ke baad, let us now try to understand the term SSC. Person word ko tumne pad liya, person mein aapne dekh liya ki there are number of entities involved. Humne usme padha ki it includes individual, HUF, firm, AOPBOI, company, local authority and any other judicial person. Ye humne person ki definition detail mein last session mein padhi thi. आज नेक्स्ट टर्म पर चल रहे हैं, उसका नाम है एसएससी, राइट? एसएससी हिंदी में एसएससी को हम बोलते हैं करदाता. कर मींस टैक्स, यू नो इट, राइट? करदाता, ठीक है. जिस आदमी को इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई पेनल्टी, कोई सेस पे करना हो, कोई फाइन पे करना हो, राइट, ऐसे आदमी को, ऐसे पर्सन को हम एसएससी बोलते हैं, ठीक है. पर्सन और एसएससी, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस ये है कि पर्सन में हमने उन सभी एंटिटीज को कवर करने की कोशिश की है जिनमें इनकम अर्निंग पोटेंशियल है, राइट. और एसएससी में हमने अपने इस फिल्टर को थोड़ा सा और स्टर्न कर लिया, थोड़ा सा और ज्यादा इसको स्ट्रिंजेंट कर दिया है, राइट. एसएससी वो है जो इनकम टैक्स या इनकम टैक्स के रिलेशन में सेस या पेनल्टी या फाइन पे कर रहा हो, राइट. जो हमारी डेफिनेशन आई है एसएससी टर्म की सेक्शन 27 में, उसमें प्राइमरली थ्री पार्ट, उसमें तीन पार्ट्स दिए हुए हैं. देर आर प्राइमरली थ्री पार्ट्स इन द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म एसएससी, राइट. कौन कौन से ये तीन बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहला तो सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिया. ऑर्डिनरली जो हमारे इसका मीनिंग है कि एसएससी मींस एनीवन हु वुड हैव टू पे एनी टैक्स, सेस, पेनल्टी और फाइन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो एसएससी है. ये तो बात है ही है, ठीक है. इसके अलावा दो बातें, दो और पॉइंट शामिल है हमारी डेफिनेशन में. जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डीम्ड एसएससी, और जो थर्ड पॉइंट है हमारे एसएससी की डेफिनेशन में उसका नाम है एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट. तो तीन पॉइंट्स आएंगे, लेट मी राइट इट फॉर यू. हम बात कर रहे हैं किसकी? अवर सेकंड बेसिक टर्म विच इज एसएससी, राइट. दिस इज सेक्शन 27, राइट. तीन बातें इसमें इंक्लूड हैं. नाउ एसएससी इंक्लूड्स नंबर वन, anyone who will have to pay, any tax, cess, penalty or fine under इनकम टैक्स एक्ट, राइट. दिस इज नंबर वन. नंबर टू, इट इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी. नाउ हु इज अ डीम्ड एसएससी? आप अभी डीम्ड वर्ड का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि इनकम टैक्स में आगे भी हमारे पास कई बार ये वर्ड डीम्ड आएगा, राइट. डीम्ड का हिंदी में मतलब है मान लेना. वी आर प्रिज्यूमिंग, राइट. वी नो दैट दिस पर्सन ही इज नॉट अ रियल एसएससी, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि यही एसएससी है, राइट. ऐसा हम क्यों कर रहे होंगे? इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है. ये जानते हुए भी कि नो ही इज नॉट द रियल एसएससी, फिर भी हम उसको एसएससी मान लेंगे. अगर किसी सिचुएशन में हम ऐसा कर रहे हैं तो जो जिसको हमने मान लिया उसको हम डीम्ड एसएससी बोलते हैं, राइट. एग्जांपल क्या है इसके? डीम्ड एसएससी को याद रखने के लिए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. डीम्ड एसएससी कौन है? जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है.
right? So that means who is representing the real SSC, right? He would be called a deemed SSC. Jo real SSC ko represent kar raha ho. Obviously, he is not then the real SSC, right? But he is representing him. Now, he would be called a deemed SSC, right? So, who is a deemed SSC? The one who is representing the real SSC is called a deemed SSC, right? Kya examples hai hamare deemed SSC ke? Ye representative SSC hai. Representative SSC. ठीक है, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? नाउ एग्जांपल्स, मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है और आपके इस केस में लेट अस सपोज कि आप जाके प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, समबडी ऑन योर बिहाफ ही इज यू नो गिविंग हिज प्रेजेंस देयर, वो जाके उसको जो है आपके बिहाफ पर अटेंड कर रहा है, ऐसे केस में राइट The person who is now, you know, attending that thing there would be called a deemed SSC. मैं इसको लिखूंगा बड़े सिंपल वर्ड्स में कि deemed SSC कौन है? Legal representative of a deemed person, of a deceased person would be called a deemed SSC. Example में number one, legal representative of a deceased SSC. जैसे मैंने ऊपर लिखा इसका plain meaning कि he is a representative SSC. वो एक representative SSC होता है. ठीक है? A person who is being treated as an SSC is a deemed SSC, right? A person who is being treated as an SSC is a deemed SSC. Normally, he is a representative SSC. Now, example, first term likha, legal representative of a deceased person, a deceased SSC. ठीक है? Second क्या हो सकता है? Second इसका अच्छा example है. Agent of a non-resident. Agent of a non-resident. Now let us suppose some organization who is non-resident here in any particular previous year. Right? Uske against maan lijiye koi case chal gaya income tax mein. Right? So the organization is the real SSC. Lekin there is a possibility ke wahan se एक आदमी यहां पर अपॉइंट कर दिया जाए. लेट अस सपोज देयर इज अ पर्सन इन इंडिया हु इज लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो ऐसे केस में क्या होगा? दिस पर्सन, द पर्सन हु इज देयर इन इंडिया, ही मे बी टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एसएससी, दैट नॉन रेजिडेंट, राइट? तो ऐसे केस में क्या होगा? ही वुड बी कॉल्ड अ डीम्ड एसएससी हियर. द रियल एसएससी वुड बी द नॉन रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर उसके बिहाफ पर इंडिया का कोई आदमी जो है उसके केस को प्रेजेंट करने गया, तो ऐसे केस में ही वुड बी कॉल्ड डीम्ड एसएससी. तो हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा? एन एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, दिस एजेंट वुड बी कॉल्ड डीम्ड एसएससी, राइट? इफ दिस एजेंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस नॉन रेजिडेंट, राइट, सो द एजेंट वुड बी कॉल्ड द डीम्ड एसएससी. द नॉन रेजिडेंट इज द रियल एसएससी एंड द एजेंट हु इज रिप्रेजेंटिंग हिम फॉर एनी कॉज, he would be called a deemed SSC, right? Now point number, ek example aur karte hain. Example number 3, the trustees of a trust. The trustees of a trust. Ye hamare example rahe 3. Legal representative of a deceased SSC would be called a deemed SSC. Agent of a non-resident is a deemed SSC. Trustees of a trust, they are also deemed SSC, right? Now, number 3. Third, this is called SSC in default.
The third point is SSC in default. Right? Now, what is the meaning of SSC in default? Default ka meaning yahan par mistake se hi liya hua hai. Right? Bada pehle plain word mein samjho isko. Dekhe, income tax jo hai, wo aapke upar kuch obligations dalta hai. Theek hai? And you are abide by those obligations. Aapko wo karni padti hai. You have to comply with those obligations. ठीक है, आपको पूरा करना होता है उनको. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, राइट, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स ने आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाली है कि भाई आपको दिस पर्टिकुलर डेट तक जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करना होगा, राइट. ये ऑब्लिगेशन इनकम टैक्स ने आपको दे रखी है, राइट. नाउ इफ समबडी हु गॉट सच काइंड ऑफ अर्निंग जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए but he is not filing his return, right, ऐसे केस में क्या है, वो एक flaw है, एक fault कर रहा है, गलती कर रहा है, right, ठीक है. Now he would be called a person who is supposed to file his return but does not file his return would be called an SSC in default, right. दोबारा से सुन लो, income tax ने जो आपको obligation दी है, अगर आप उन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करोगे, ऐसे केस में आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाओगे. और अगर आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए तो हमारी डेफिनेशन बड़ा क्लियर कह रही है, एसएससी इंक्लूड्स व्हाट, एसएससी इन डिफॉल्ट आल्सो. सो इफ यू बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट यू वुड ऑटोमेटिकली बिकम एसएससी आल्सो. गॉट इट, समझ में आ गई ये बात. चलिए, सो एसएससी इन डिफॉल्ट आप समझ गए. एक बार और सीधे शब्दों में आपको बताया जाए कि एसएससी इन डिफॉल्ट क्या है. अगर इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन आपको कहता है कि भाई ये काम आपको करना है, जैसे रिटर्न भरने का काम था, किसी का टीडीएस काटने का काम है एंड सो ऑन, राइट, और वो आप नहीं करते हो तो आप बन जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट. पैरेलली अगर इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन ये कहता है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए और आप वही कर दोगे, अगेन you are at default, right, and again you would become SSC in default, right. So income tax jaise aapko chahta hai, agar aapne us tarike se comply with nahi kiya, us tarike se aapka act nahi hai, you are going against any provision of income tax act, aise case mein you would be called an SSC in default, right. So SSC in default ke liye kya likha jayega, if the obligations under Income Tax Act are not complied with by the person, comma, he shall become an SSC in default. फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा SSC in default.